गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 18 में हैं बच्चों, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ अर्ली मैन। अभी तक हमने उनके टूल्स के बारे में और उन्होंने कैसे खोज की आग की उसके बारे में और खेती के बारे में कैसे आदिमानव ने सीखा उसको पढ़ा। अब हम लोग डिस्कवरी ऑफ व्हील यानी जो खोज होती है पहिए की उसके बारे में पढ़ेंगे। समटाइम्स अर्ली मैन हैड टू विजिट नियर बाई विलेजेस। कभी कभी शुरुआती दिनों में जो अर्ली मैंस थे वो लोग क्या करते थे, यात्रा करते थे दूसरे गांव में पास के। दे हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस ऑन फुट। वे जो है लंबी दूरी को अपने पैरों से तय करते थे यानी पैदल यात्रा करते थे। They had to carry heavy loads on their back up or shoulders। वे जो है भारी बोझ को अपने कंधे पर या अपनी पीठ पर उनको उठाना पड़ता था। They also used animals to carry the loads। उन्हें जो है जानवरों को भार ढोने के लिए कभी कभी जानवरों का भी इस्तेमाल करते थे। One day the early men saw logs of wood floating in the river। एक दिन जो है early men यानी आदिमानव ने लकड़ी के एक लॉक को तैरते हुए पानी में देखा। This gave them the idea of using trunks of trees for traveling by water। इससे उन्होंने पानी से यात्रा करने के लिए पेड़ों की शाखाओं का उपयोग किया, टहनियों का उपयोग किया। लेटर दे लर्न टू टाई अ नंबर ऑफ लॉक्स टुगेदर एंड मेड अ राफ्ट। बाद में उन्होंने जो है इसे जो लकड़ी का एक लॉक था उसे एक बेड़ा बना दिया जिसको पकड़कर वो खींचते थे बांध के। दीज राफ्ट were used as boats to carry men and their loads। और बाद में उन्होंने इन राफ्टों का उपयोग नाव के रूप में किया। Later they on the land, however, early men still walked on foot with their heavy loads। हालांकि शुरुआती दिनों में जो है वे अपनी भार को और अपने खुद पैरों से खींचा करते थे हैवी लोड्स को। दे मेड अ कार्ट ऑफ वुड व्हेन डिड नॉट हैव व्हील्स। उन्होंने एक कार्ट का लकड़ी की एक गाड़ी बनाई लेकिन इसमें क्या था, पहिए नहीं लगे थे, व्हील्स नहीं लगे थे। दे पुल्ड द कार्ट देमसेल्व्स। लेटर दे यूज्ड एनिमल्स टू पुल इट। वे इसे खुद ही खींचते थे और बाद में इन्होंने इसमें जानवरों का इस्तेमाल किया। But it was difficult to move the cart on uneven ground। लेकिन आसमान ज़मीन पर मतलब उबड़ खाबड़ जो ज़मीन होती है उस पर इसको खींचना जो है बहुत आसान नहीं था, बहुत ही difficult था। Early man noticed some round pieces of trees, trunks rolling easily। फिर उन्होंने देखा कि जो है पेड़ के जो टहनियाँ थी उन्हें काट के उन्होंने एक उसका जो गोला हिस्सा था पहिए के रूप में उसे बनाया और उसे आसानी से उन्होंने लुढ़काया कि मतलब वो गोल जो पहिया था वो अच्छे से उसे खींच पा रहा था। दे फिटेड स्मॉल पीसेस ऑफ ट्रंक्स टू देयर कार्ट। उन्होंने इन छोटे पीसेस को लकड़ी के टुकड़ों को क्या किया, अपनी गाड़ी में फिट किया, कार्ट में फिट किया। नाउ द कार्ट कुड मूव ईजली इवन ऑन द अनइवन लैंड। अब गाड़ी इनकी आसमान भूमि पर आराम से चल रही थी। इट मेड ट्रेवलिंग ऑन लैंड ईजियर एंड फास्टर। और इनकी जो ज़मीन यात्रा अब बहुत ही आसान हो गई और तेज भी हो गई। Thus invention of wheel became a turning point in the life of the early men।
इस प्रकार पहिए का आविष्कार प्रारंभिक पुरुषों के जीवन में एक महत्वपूर्ण जो है टर्निंग पॉइंट बन गया था। टुडे अ वैरायटी ऑफ व्हील्स ऑफ वुड स्टील रबर एक्सेट्रा आर यूज्ड इन वेरियस मशीन्स टॉयज एंड व्हीकल्स। आज जो है विभिन्न मशीनों खिलौनों और व्हीकल्स में लकड़ी स्टील और रबर आदि के पहियों का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों आपका ये जो चैप्टर नंबर 18 है अर्ली मैन वो आज कंप्लीट हो गया है। आप लोग इसकी एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझिए और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछिए। थैंक यू क्लास।